नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के तरफ से नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर सेवरल टीचिंग पोजीशंस एज वेल एज नॉन टीचिंग पोजीशंस एट मंटेसरी स्कूल जीसी ग्रेटर नोएडा। तो क्या यहाँ पे एज लिमिट रहने वाला है, क्या आपका सैलरी होने वाला है, कितना वैकेंसीज है, सारे सब कुछ डिटेल्स में चेक करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए टू गेट ऑल द नोटिफिकेशन। एंड मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां पे भी जाके आप लोग डेली चेक करें, वहां पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन हर दिन अपलोड करती रहती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगे देन प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स या फिर क्वेरीज है, आई एम हियर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। एंड देन शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत हो, आपके फ्रेंड या रिलेटिव हो सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सीआरपीएफ की तरफ से जो रिक्रूटमेंट नोटिस अनाउंस किया गया है मॉन्टेसरी स्कूल के लिए, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो हेडमिस्ट्रेस फीमेल टीचर्स एंड आया के लिए जो पोस्ट है वो निकाला गया है। एंड हेडमिस्ट्रेस के लिए 1 पोजीशन है, फीमेल टीचर्स के लिए 4 एंड आया के लिए 4 यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है। ठीक है, 15,000 रुपीज पर मंथ आपको मिलने वाला है फॉर हेडमिस्ट्रेस, जो कि मुझे बहुत मतलब ठीक नहीं लग रहा है। बिकॉज यहाँ पे आप अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत कुछ डिमांड किया गया है, बट यहाँ पे जो सैलरी है बहुत ही कम है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे फिर भी देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। 1 वैकेंसी है हेडमिस्ट्रेस के लिए एंड एज लिमिट जो है 30 to 40 ईयर्स यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। फीमेल टीचर्स की बात करें तो 4 वैकेंसीज है यहाँ पे, 12,500 रुपीज आपको पर मंथ मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं 21 to 40 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है। आया के लिए 4 वैकेंसीज है, 10,000 रुपीज पर मंथ मिलेगा एंड 18 to 30 ईयर्स यहाँ पे आपका जो एज लिमिट है वो यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए हेडमिस्ट्रेस के लिए आपके पास 50% मार्क्स के साथ साथ ग्रेजुएट होना होगा एंड देन बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए, उसके साथ साथ 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस आपके टीचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो देखिए 5 ईयर्स की एक्सपीरियंस आप डिमांड कर रहे हैं बट जो सैलरी है बहुत ही कम है, 15,000 रुपीज पर मंथ आपको मिल रहा है, तो इसीलिए मुझे जो है ये ठीक नहीं लग रहा है। बट अगर आप लोगों को अच्छा लगे, आपके ऊपर है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर दिस पोस्ट ओनली। जो हेडमिस्ट्रेस की बात करें तो उसकी बात कर रही हूँ मैं कि हेडमिस्ट्रेस के लिए जो सैलरी है वो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे देखिए फीमेल टीचर्स के लिए, तो यहाँ पे देखिए फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 50% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया है, उसके साथ साथ आपने बीएड कंप्लीट किया है एंड टेट पास किया है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो आपने पास किया है, देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आया के लिए सिर्फ और सिर्फ क्लास 5 अगर आपने पास किया है, तो 5th स्टैंडर्ड की अगर आपकी नॉलेज है देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर हिंदी में अगर आपने किया है तो आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, पूरे साल में यहाँ पे अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो पूरे साल में जो है मिनिमम 10 दिन का आप जो सडन लीव होता है वो आप ले सकते हैं, उससे ज्यादा आप जो सडन लीव है वो आप नहीं ले सकते। ठीक है, 10 दिन का आप सडन लीव ले सकते हैं। उसके बाद देखिए कैसे हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई करें। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है ऑफलाइन करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, उसके बाद 29 अप्रैल यानी कि 29 अप्रैल तक आप यहाँ पे जो है एप्लीकेशन सेंड कर सकते हैं विद ऑल योर टेस्टिमोनियल्स, सेल्फ अटेस्टेड करके जितने भी सारे मार्कशीट्स एंड सर्टिफिकेट्स है सभी में सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप जो है यहाँ पे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, सेंड करने के लिए यहाँ पे जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस पर आपको सेंड करना है एंड एनवेलप के ऊपर जरूर मेंशन करें कि कौन से पोस्ट के लिए एंड एडवर्टाइजमेंट नंबर एंड कौन सी जो है आपका कैटेगरी क्या है, ये सब मेंशन कर देना, जरूर मेंशन कीजिए। ठीक है, एंड यहाँ पे आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा, तो इंटरव्यू का जो डेट है वो है 6 मई, तो 6 मई को जो है आपका इंटरव्यू होने वाला है, सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगा। वेन्यू का डिटेल्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है ऑलरेडी, यहाँ सब चेक कर सकते हैं क्या क्या लेके जाना है इंटरव्यू के दिन। आपने अपने पास जितने भी सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है लाइक मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट्स हो गया, सभी का जो है सेल्फ अटेस्टेड करके ओरिजिनल एज वेल एज फोटोकॉपीज आपको साथ में रखना है एंड उसके साथ जो है आपका कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आपने एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर आप क्लेम करते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी आपको साथ में लेके जाना है, 2 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड उसके साथ अपडेटेड सीवी यानी कि बायोडाटा। देन सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपका
इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद जो है यहाँ पे एक मेडिकल एग्जाम हो सकता है, ठीक है। तो यही रहा नोटिफिकेशन, ये जो रिक्रूटमेंट है टेम्पररी है, जब तक यहाँ पे जो पोजीशन में यहाँ पे वैकेंसी रिलीज किया गया है, तब जब तक उसी पोजीशन पे कोई परमानेंटली नहीं सिलेक्ट होते हो जाता है, या फिर 1 साल के मतलब भीतर अगर आपकी सेटिस्फेक्टरी परफॉर्मेंस, अगर आपका अनसेटिस्फेक्टरी परफॉर्मेंस होता है, तो फिर आपका जो है यहाँ पे अपॉइंटमेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर आपका सेटिस्फेक्टरी परफॉर्मेंस होता है 1 साल के बाद, आपका जो अपॉइंटमेंट है उसी को कंटिन्यू कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारे ही जो है फीमेल के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए निकाला गया है, एप्लीकेशन कर सकते हैं ओनली फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। तो चलिए एक बार ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये रहा ऑफिशियल वेबसाइट, आप देख सकते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तरफ से ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है। सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर्स एंड आया एट मॉन्टेसरी स्कूल जीसी ग्रेटर नोएडा, यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आपका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 4 तारीख से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, एंड आपका जो 29 यानी कि 29 अप्रैल तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, देन प्लीज वीडियो में वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो की जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे आप लोग मतलब लिख सकते हैं कि और कौन कौन से पोजीशन के बारे में और कौन कौन से वैकेंसीज के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों की एक्चुअली डिमांड क्या है, आप लोग कौन से सेक्टर में जो है जॉब सर्च कर रहे हैं। वो मुझे अगर नहीं पता होगा तो मैं जो है मेरी मेरी जैसे जो वीडियो है, मेरी जो खुद की जो पसंद का जो जॉब है, वही मैं जो है वीडियो अपलोड करूंगी। तो आप लोग जरूर बताएं अपना जो भी जॉब ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, एंड उसके साथ शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको भी ये वीडियो देखने की जरूरत है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।